हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं होम साइंस के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, होम साइंस क्लास 12th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एंड उसके आंसर भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, और आपके लिए काफ़ी होंगे जो 2020 में एग्ज़ाम देने वाले हैं 12th क्लास लोग, ठीक है, 12th क्लास वाले, और होम साइंस सब्जेक्ट से अत्यधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस वीडियो से लड़ सकते हैं। तो वीडियो को जो क्या करना है कि शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो आइए हम पहला सवाल को शुरू करते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। सवाल नंबर 1 है, जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई है, जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई कितनी है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 50 सेंटीमीटर होती है। जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई जो होती है 50 सेंटीमीटर होती है। सवाल नंबर 2 देखिए, विकासात्मक मानव विज्ञान लाभदायक है, विकासात्मक मानव विज्ञान लाभदायक है तो बच्चों के लिए लाभदायक है, ठीक है। किसके लिए लाभदायक है? तो जो यहाँ जो दिख रहा है आपको, विकासात्मक मानव विज्ञान जो लाभदायक है बच्चों के लिए है, खास करके बच्चों के लिए है, ठीक है। तो सवाल नंबर 3 आप देखें, शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? तो देखिए, हमारे 4 ऑप्शन में इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है हमारा शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। सवाल नंबर 4 देखें, कौन सा तत्व विकास का प्रभावित नहीं करता है? सवाल क्या बोल रहा है कि कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो धन जो है हमारा विकास का, यानी कि विकास को प्रभावित नहीं करता है। आइए 5वां नंबर सवाल में पहुंचते हैं। तो सवाल नंबर 5 है आपका, इनमें कौन गर्भावस्था की कठिनाई है, इनमें कौन गर्भावस्था की कठिनाई है? तो इसमें जो है उपयुक्त सभी, यानी कि परिपक्व जन्म और गर्भकालीन विसारकता और गर्भपात, तो ये तीनों जो है हमारा गर्भावस्था की कठिनाई है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 6वां नंबर सवाल है कि गर्भावस्था का प्रथम लक्षण है तो मानसिक धर्म का बंद होना। मानसिक धर्म अगर बंद हो जाए तो क्या होगा, गर्भावस्था का प्रथम लक्षण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 7 देखिए, दूध अच्छा स्रोत है, स्रोत के बारे में, ठीक है, दूध अच्छा स्रोत है, तो दूध जो है हमारा कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, सबसे अच्छा स्रोत है, तो किसकी है? तो हमारा कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत दूध है। सवाल नंबर 8 देखें, कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करना चाहिए? कीड़ों को, यानी कि वस्त्र मतलब कपड़ा होता है, और कीड़ों से कपड़ा को दूर करने के लिए उसका, यानी कि निम्न में से किसका उपयोग करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 2, नेफ्थलीन गोलियां को आप अगर कपड़े के अगल बगल में रख देंगे तो कीड़े क्या होगा, कपड़ों को सुरक्षित, यानी कि कीड़े मर जाएगा, और कपड़े के रखने का उपयोग हो जाएगा किसका, नेफ्थलीन की गोलियां के बारे में, ठीक है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 9 देखिए, बाजार एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? तो यानी कि बाजार एवं लाभांश पारिवारिक का जो हमारा प्रकार है वो है, यानी कि हमारा अप्रत्यक्ष वास्तविक आय जो हमारा है, यानी कि ब्याज एवं लाभांश का पारिवारिक आय है, ठीक है, एक प्रकार की। सवाल नंबर 10 देखिए, अपमिश्रण के उदाहरण इनमें से सभी, नकली को असली बनाकर बेचना ये भी अपमिश्रण, यानी कि मिश्रण मतलब होता है कि मिलावट, ठीक है, मिलावट। तो अपमिश्रण की मतलब देखिए, नकली को असली बनाकर बेचना, तो जैसे सोना कुछ भी हो गया, ऊपर असली रहता है और जो नीचे जो माल रहता है वो नकली रहता है। और सवाल नंबर 2 में देखिए, यानी कि बी में देखिए, बासी को ताज़ा बनाकर बेचना, बासी को कोई कोई होटल में ताज़ा भी बनाकर बेचता है, ये भी अपमिश्रण की उदाहरण है। और ऑप्शन नंबर 3 में है कि गलत लेबल लगाकर बेचना, लेबल क्या करता है, गलत लगा देता है और उसको अंदर कच्चा रहता है, यानी कि नकली रहता है, और ऊपर गलत लेबल अच्छा लगा देता है, तो जो ये भी अपमिश्रण का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इनमें से सभी, ठीक है। देखिए 11 नंबर आपका, प्रदूषित भोजन से कौन सी बीमारी होती है? पोलिया होती है, प्रदूषित भोजन से पोलिया की बीमारी होती है, ठीक है। तो प्रदूषित भोजन से आप भी बचें, वरना आप भी पोलिया की बीमारी हो जाएगी, तो पोलिया की बीमारी बहुत ही खतरनाक होती है, तो प्रदूषित भोजन से आप भी बचें और अच्छे अच्छे स्वस्थ खाना खाएं। नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन कपड़े की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है? तो कपड़े के धुलाई के अंतर्गत वस्त्रों की मरम्मत नहीं आती है,
कपड़े की धुलाई के अंतर्गत देखिए दाग धब्बे छूटना, ये भी एक छुड़ाना और सुखाना और ऐलान करना, ये कपड़े की धुलाई के अंतर्गत में आता है, और वस्त्रों की मरम्मत करना ये नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल, वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाला कारक है तो जलवायु है। वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो जलवायु है। 17 नंबर सवाल, मोबाइल क्रैच घूमती है, मोबाइल क्रैच घूमती है किसके साथ घूमती है, तो बच्चों के साथ घूमती है, मोबाइल क्रैच बच्चों के साथ घूमती है। नंबर 18 देखिए, निम्न में से कौन पारिवारिक आय है, तो निम्न में से हमारा इनमें से सभी मुद्रा आय, वास्तविक आय, आत्मिक आय, यानी कि इनमें से तीनों जो है हमारा पारिवारिक आय है, तो इनमें से सभी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 देखिए, निम्न में से कौन विनेश का सबसे अच्छा साधन है, विनेश का सबसे अच्छा यानी कि विनेश का सबसे अच्छा साधन है, तो विनेश का सबसे अच्छा यानी कि साधन है तो राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र जो है विनेश का सबसे अच्छा साधन है, तो बिल्कुल राइट आंसर ए, ठीक है। 20 नंबर सवाल देखिए, असीमित असीमित खरीदारी की जा सकती है, असीमित खरीदारी की जा सकती है, तो असीमित खरीदारी डेबिट कार्ड से की जा सकती है, यानी कि डेबिट कार्ड के द्वारा असीमित खरीदारी की जा सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहेगा, और अगले वीडियो में 20 से यानी कि 21 से बतलाऊंगा, आप दोस्तों के साथ फैलाएं और जितने भी स्टूडेंट देखेंगे उसको काफ़ी लाभदायक होगी। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपसे छूटे नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, डेट्स ऑल।